ये एक किताब है जो ए हबीब करीम हमने आप की तरफ नाजिल फ़रमाई लखरजा नूर ताकि आप लोगों को अंधेरों से उजाले की तरफ लेकर आएं तो गोया कि इस किताब में अल्लाह ताला ने वो चीज़ रख दी है जो ज़रूर अंधेरे को दूर करेगी गुमराही का अंधेरा हो जहालत का अंधेरा हो अकायद बा का अंधेरा हो बुरे अखलाकियात का अंधेरा हो ये किताब उन अंधेरों से निकाल कर उजाले की तरफ लेकर आएगी क्योंकि कुरान एक दावत फ़िक्र देने वाली किताब है और ऐसी फिक्र फराहम करती है कि जिस फ़िक्र को ज़हन में जगह देने के बाद ये फ़िक्र मुसलसल अमल का तकाजा करती रहती है और आदमी को अमल करना आसान करवा देती है उसको अमल की तरफ माइल ज़रूर कर देती है इस मकसद के हसूल के लिए हमें भी कुरान पाक को इसी अंदाज से पढ़ना चाहिए था कि जिससे हमें ये मकासद हासिल होते लेकिन हमने कुरान को छोड़ दिया और हमने कुरान को अरबी इबारत तक मुकैत कर दिया हम सिर्फ अरबी इबारत पढ़ते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा होता हम क्या पढ़ रहे हैं और बस हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ़ गोया के स्व का हसूल मकसूद होता है या कुछ इतमान कलब इतमानलब इस एतबार से कि चलो जी आख़रत के लिए कुछ हमने जमा कर लिया कुछ बासिल हो गया बाद जो भोले भाले होते हैं वो बोलते हैं हमने कुरान पढ़ के अपने मरने के बाद के लिए रख दिए फिर हम वो हमें मिल जाएगा आख़रत में तो वैसे ही आपको तो मिल जाएगा वो सिर्फ कुरान पढ़कर अपने आख़रत को महफूज रखने का जहन बनाते हैं तो अरब इबारत पढ़ने में सवाब ज़रूर है इसका इनकारी नहीं है बायस फ़जीलत है बायस बरकत है लेकिन कुरान पाक सिर्फ सिर्फ़रबी इबारत को हसूल सवाब की नीयत से पढ़ने के लिए नहीं दिया गया बल्कि इसका अजीम मकसद तो ये है कि हम इसको पढ़ने के बाद अंधेरे से निकलें उजाले की तरफ आएँ और वो उसी वक्त हो सकता है जब हम कुरान को समझेंगे तो हर घर की ज़रूरत होनी चाहिए कि कुरान को बुनियाद बनाया जाए हर घर में कुरान का दर्श होना चाहिए हर घर में कुरान की तालीमत आम होनी चाहिए जिस तरह आप हमारे तफसीर के प्रोग्राम मसला तो अगर मुमकिन हो सके तो घर भर को बैठ कर इसको देखना चाहिए घर के पास टाइम नहीं होता कि कुरान खोले बाकायदा पढ़े तफसीर तो सुनने में बहुत फ़ायदे इस तरह भी हो जाते हैं कि बहुत से निकात जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे वो एक स्पीच करने वाले की आप गुफ्तु में सुन सकते हैं और वो आपको बहुत से अमूर इसके बारे में समझा सकेगा लिहाजा हर घर में कुरान की तालीम आम होनी चाहिए काश ये हमारा ओक़ बढ़े और शौक़ बढ़ जाए हम दूसरों को भी कुरान की तरगीब दें ख़ुद भी कुरान बार बार पढ़ें और ये जो किस्से कहानियों की किताबें हैं उमून झूठे किस्म के किस्से झूठे किस्म के वाक़ात इनसे अपनी जान छुड़ाएँ और कुरान को सबसे पहले बुनियाद बनाए ये चीज़ सबसे ज़रूरी है कुरान सब सेम किताब है इसके मजामी में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी है जो किसी और तहरीर में नहीं किसी और किताब के मज़ामीन में हो ही नहीं सकती है जो कुरान में है लिहाजा इसको हर घर के अंदर आम करना चाहिए इसकी अहमियत सबसे ज़्यादा हमारे निगाहों में होनी चाहिए इसके बाद किसी और चीज़ की हो लिहाजा अपने घर में तफसीर को कुरान को आम करने के लिए हर शख्स को चाहिए कि अपने अपने तौर पर कोशिश करें तो इन शल हमें अल्ला के रहमत से उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये तफसीर का प्रोग्राम इस वक्त करोड़ों लोग देख रहे होंगे करोड़ों लोग बिला मुबालगा बहुत ही बेहतरीन हमें फीडबैक हासिल होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अलहमदिल्ला वी के बरक़ से ये भी हमें सादत हासिल हुई कि कुरान का वो मकसद जो कुरान में खुद बयान किया गया ये नज़ुल कुरान का मकसद हम उस मकसद की तकमील के लिए कोशिश कर रहे हैं और अलहमदिल्ला करोड़ों में नहीं तो लाखों में ज़रूर हमने ये क़ बेदार कर दिया है शा बेदार कर दिया है कि हाँ कुरान सिर्फ़ एक अरबी इबारत पढ़कर सवाब हासिल करने वाली किताब ही नहीं है सवाब देने वाली किताब ही नहीं है बल्कि इसके मजामी को समझना होगा एक इससे फ़िक्र हासिल करनी होगी एक सोच हासिल करनी होगी और उसके ज़रिए अपने आमाल की असलाह ज़रूर करनी होगी तो इसलिए आप भी कोशिश करें अपने अतराफ़ में बल्कि अपने घर से शुरू करें अपनी ज़ात से शुरू करें और फिर दूसरों को भी इसके तरगीब दें और कुरान के करीब ले आएँ आगे शायद होता है कि अल्लाज़ी लहुमा फिस समा वाति व माफिल और ये पीछे बात हुई थी कि हमने किताब को आपकी तरफ नाजिल किया ताकि आप लोगों को अंधेरों से उजाले की तरफ़ निकालें अपने रब की इजाज़त के साथ तो इसकी फिर आगे ये अब गोयक उससे बदल बन रहा है अपने रब की इजाज़त के साथ अपने रब यानी अल्लाह तोल त कि जिसके लिए आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है उसी के लिए है वो तो तमाम उसी की मिल्क है वाहिल काफ्रीन मिनबिन शदीद और काफिरों के लिए बर्बादी है सख्त अजाब से यानी सख्त अजाब के सबब से कुफ़ार के लिए बर्बादी है। वैल कहते हैं ये बदिया क़लिमा है कि बर्बादी हो कुफ़ार के लिए सख्त अजाब की वजह से तो गोया कि इसमें सख्त आज़ाब की वईद है उन लोगों के लिए जो कुफार हैं और तो लाजिम सी बात है अगर कुफर के अंधेरे में कोई शख्स रहेगा कुफर की नजासत में रहेगा तो ये वाद खुदाबंदी ज़रूर पूरा होगा दुनिया में और दुनिया में नहीं तो फिर जैसे ही मौत आएगी फ़ौन ख़बर में जाते ही और उसके बाद क़यामत तक और फिर क़ियामत के दिन में और उसके बाद सख्त आजाब ही मुक़दर होंगे आगे शायद फरमाया कि लदीन यस अल हयात दुनिया अलआिर वह तो कुफ़ार कौन के जिन्हें आखरत से दुनिया की जिंदगी ज़्यादा महबूब है वयसुद्दून अंसबिल्ला और वो अल्लाह तबारक व ताला के रास्ते से रोकते हैं वय अब गाईव जा और उसमें टड़ा तलाश करते हैं उला एक अफिया मौलान और ये बड़ी दूर की गुमराही में हैं यानी गहरी गुमराही के अंदर मुबला है तो आप अंदाज़ा करें कि जिन कुफ़ार के लिए अल्लाह तबारक व तौने सख्त आज़ाब की वईद बयान फरमाई उनकी तीन सिफात अल्लाह ने यहाँ जिक्र फरमाई। नंबर एक वो आख़रत के मुकाबले में दुनिया को महबूब रखते हैं नंबर दो अल्लाह तबारक व ताल के रास्ते से रोकते हैं और नंबर तीन इसमें कजी चाहते हैं टेढ़ापन तलाश करने की कोशिश करते हैं कि हमें कोई इस्लाम का वीक पॉइंट मिले दीनदारों का वीक पॉइंट मिले साहब कराम की कोई कमज़ोरी ज़ाहिर हो जाए या माजल्ला नबी करीम सल्लाम के हयात तयबा में से कोई हमें ऐसा नुकता मिल जाए जिस पर हम तनकीद कर सकें या उस पर कुछ कलाम करके मादल्ला नबी करीम अलैहि वसल्लम की दस को दागदार करने की कोशिश कर सकें ये तीन सिफ़ात उनके जिक्र की गई हमें भी गौर करना चाहिए कि खुदा नख्वास्त ये तीन सिफात में से कोई सिफत हम में भी तो नहीं है मैंने पहले भी आपको समझाने की कोशिश की थी कि एक होता है बुरा होना एक होता है कि आदमी बुरा तो ना हो लेकिन बुरे की सिफात का हामिल होना दोनों चीज़ें बुरी होती हैं एक अगर कोई हमें के बोले कि हमने कोई मादल्ला चोरी की कोई हमें बोले चोर ये भी बड़ा बुरा है और अगर कोई हमें यूँ कहे कि तुमने चोरी तो नहीं की लेकिन तुम चोर की तरह हो ये भी हमें बुरा महसूस होगा तो एक है काफिर होना और एक है कुफ़ार की बुरी सिफात का हामिल होना दोनों चीज़ें बुरी हैं काफिर होना भी बुरा है तो और काफिर की सिफात आदमी क्यों इख्तियार करें तो इसलिए अब हमें गौर करना होगा कि कुफ़ार की एक तो आदत ये बयान की गई एक बुरी सिफत ये जिक्र की गई कि वह आख़रत के, के मुकाबले में दुनिया से महब्बत रखते हैं और ये आजकल हम में भी है हम मुसलमानों में भी है हम आख़रत को फरामोश करके दुनिया की महब्बत में अब गर्क है अब गौर कर लें कि ट्वेंटी फोर आवर्स में से रोज़ाना चौबीस घंटों में से कितने घंटे हम आखरत के बारे में सोचते हैं और कितने घंटे दुनिया के बारे में आखरत के लिए इन अवात में से कितना वक्त मुख्त किया हुआ है और दुनिया के लिए कितना किया हुआ है हम अपने दिल में झांक कर देखें आखरत की कितनी महब्बत है और दुनिया की कितनी महब्बत है तो हमें मालूम होगा कि हम इस मामले में फ़ेल हैं और कुफ़ार की एक आदत बदकस्मती से हम पर भी गालिब हो चुकी है इसी तरीके से अल्लाह ताला के रास्ते से रोकना ये भी अब मुसलमानों में बड़ा आम हो गया है अगर कोई शख्स दीनदार बनने की कोशिश करे बामल बनने की कोशिश करे तो पूरा माशरा उसके राह में रुकावट बन जाता है सबसे पहले तो माँ बाप उसे रोकने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि शायद दीन की तरफ माइल होने की वजह से हमारा बेटा या हमारी बेटी दुनिया के लिए कार आमद नहीं रहेगा बेकार हो जाएगा और अजीब व ग़रीब किस्म के तस्वरत उनके जहन में होते हैं हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं होता जो दीन की तरफ माइल होता है अल्लाह तक मकामी इज़्ज़त फ़रमाता है गैब से उसकी इमदाद की जाती है रिस हलाल के दरवाज़े उस पर खोल दिए जाते हैं उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व ताली घर वालों को अता फ़रमाता है ये मशिकात की रवायत है कि नबी करीम सल वसम के पास एक कातब सहाबी थे वो सरकार के पास ही रहते थे और किताबत करते थे एक दफ़ा उनके भाई आए और हाजिर होकर अर्ज किया वसम आप कि ये कुछ कमाया भी करें तो नबी करीम के अल्ज करीमा ये थे किल्ला तबारक व तुम्हें जो कुछ अता फरमा रहा है वो इसी के बदले में इसी की बरकत से अता फरमा रहा है तो याद रखें कि अगर कोई दीन की तरफ माइल होता है तो इसमें दुनिया का कोई नुकसान नहीं होगा ये समझना कि शायद अभी कमाएगा कहाँ से खाएगा कहाँ से ये अल्लाह तबारक वाल केिमा करम पर मौकूफ़ है आपके नहीं अल्लाह ने शात फरमाया वमर अहला का भी सौला वस्तव अपने तुम अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और ख़ुद भी उससे साबित कदम रहो ला नस अलो का रजकन हम तुमसे से का सवाल नहीं करते नहनु नर जुकुक़ तो हम तुम्हें अता फ़रमाएंगे तो ये तो अल्लाह ने अपने ज़िम्मे करम पे लिया और अभी मैंने पिछले प्रोग्राम में एक आयत आपको अर्ज़ की थी कि अल्लाह ने शत फरमाए इन यंसुरकुम अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी इमदाद फरमाएगा मालूम हुआ कि वालदे के ये वसाविस वाकई सिर्फ वसाविस ही हैं इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि जो दीन की तरफ़ जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा वो कमाएगा कैसे खाएगा कैसे जाएगा कैसे गुजारा करेगा ये तो आप दुनियादारों को देख लीजिए बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके बेचारे परेशान हैं तो दीन की तरफ मैलान हमें दुनियावी तालीम से नहीं रोक रहा हमें कारोबार से नहीं रोकता हमें नौकरी से नहीं रोकता रिश्तेदारी से नहीं रोकता दोस्त बनाने से नहीं रोकता हाँ ये ज़रूर हुक्म देता है कि तमाम काम दायरे शरीयत में रहकर होने चाहिए तो बहरहाल जब कोई लड़का या लड़की दीन की तरफ़ मायल होने लगे तो सबसे पहले तो माँ बाप रुकावट बन जाते हैं फिर बाज़त बड़े भाई बहन फिर इसी तरह रिश्तेदार अगर माँ बाप राज भाई बहन राजी हैं तो वो आके जहन बनाते हैं कि जी आपके बच्चों आच्चों क्या हो गया ये तो आ, मतलब मौलवी हो जाएगा ये बच्चे को क्या हो गया लोग मुल्लानी कहेंगे रिश्ते भी नहीं आएंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा और इस तरीक़े से अल्लाह ताला के रास्ते से रोकने की कोशिश की जाती है बावजूद ये के मुसलमान हैं बावजूद ये के कलीमा पढ़ते हैं फ़र्क़ यही है कि वो कुफार काफिर होकर ये काम करते थे और हम मुसलमान मुसलमान रह कर बात दीन के तलीमत के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद करते हैं ये बड़ी सख्त बर्बादी की बात है क्योंकि अल्लाह ने शायद फरमाया वही लाफरी नमिन अजाबिन शदीद कुफ़ार के लिए अजाब शदीद से बर्बादी है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन कामों के हामिल लोगों के ऊपर अजाब की वईद थी अल्लाह ने बयान फरमाई मैं नहीं कह रहा हूँ कि माद जो मुसलमान दिन के रास्ते से रोकता है वो इसी के तहत दाखिल हो जाएगा लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वो चूँकि कुफ़ार की एक बुरी सिफत का हामिल है तो हो सकता है कि अल्लाह ताला नाराज़ होकर उसे भी अजाब में मुबतला कर दे इसलिए बहुत ही तवज्जो करनी चाहिए अल्लाह के रास्ते से रोकने का मतलब अल्लाह ताली की तलीमत इस्लाम और नबी करीम सल्लाम के ख़िलाफ़ एलान जंग है और इस ऐलान जंग के बाद यकीन सी बात है जंग शुरू होगी और इस पर फतह किसकी होगी हम अच्छी तरह जानते हैं तो दुनिया में अगर हमने किसी को दीन के रास्ते से रोक भी लिया जैसे बाद लोग कामयाब हो जाते हैं बच्चा दीन के राह पे आ रहा था ज़बरदस्ती की फ़ोर्स किया ज़बरदस्त टॉर्चर किया उसको और तंज करते रहे उसको मतलब सख्तियाँ करते रहे हती कि मजबूर होकर दोबारा वो दुनिया की लाइन की तरफ चला जाता है गुनाहों की तरफ मायल हो जाता है तो कहते हैं अब हम कामयाब हो गए इतमान कल्ब हासिल होता है लेकिन हकीकत हकीकता इतमान कल्ब नहीं है ये बहुत बड़ा अजाब है दुनिया में भी इसका अजाब देखने को मिलता है ये मेरे अपने ख़ुद मुशाहे में कई ऐसे वाक़ात आए कि पहले अपनी औलाद को दीन के रास्ते से रोका औलाद नेक बन गई परेजगार उसका जहन पाकिज़ा हुआ अखलाक अच्छे हो गए आदात संवर गए लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं लगी रोक लिया उसको फिर औलाद ने जब देखा कि ये अल्लाह तला के मुकाबले में हैं और ये मतलब अल्लाह ताला के लिए ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं दीन इस्लामी ख़िलाफ़ बोल रहे हैं तो ख़ुद खुद उसके दिल में फिर इनके लिए बगावत के असरात नुमाया होते हैं और जज्बात बेदार हो जाते हैं तो फिर ऐसा भी देखा कि इनकी इता तो कर ली दिन को छोड़ दिया लेकिन फिर माँ बाप की इज़्ज़त भी दिल में ना रही बदतमीजी शुरू हो गई फिर बच्चा गलत आदात में पड़ गया चर्स पीने हिरोन फोश मतलब मनाजिर देखने की तरफ़ अवारा दोस्तों की तरफ़ फिर उससे चोरी हो गई डाका हो गया कोई गलत काम कत्ल वारत हो गया फिर ये माँ बाप और ये सब सर पकड़ के बैठ जाते हैं हाय हमारे बच्चे का क्या होगा फिर मतलब ये कि कहा जाता है जी अब इसकी असलाह के लिए कुछ कीजिए सुबह अल्लाह पहले आपने सारे रास्ते रोक दिए उसको दीन के रास्ते से रोका अब जब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया और दुनिया में जवाल इज़्ज़त का खौफ आपको दामनगीर हो गया तो आपको फिर दीन दोबारा याद आया और आपने कहा कि भाई इसको संभालिए तो ऐसे कई मनाजिर हमारे सामने आए कई कई बातों का हमने मुशाह किया है खुद वालदेन हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे बच्चे को संभालिए अब जब हम मालूम करते हैं कि आपने किस तरह की तरबियत की थी और जब अगर बच्चा कभी दिन की तरफ माइल हुआ था या नहीं हुआ था तो फिर उस वक्त आपका रवैया क्या था तो अक्सर यही सामने आता है कि पहले तो जोश में आकर औलाद को रोका और जब औलाद हाथ से निकल गई तब अहमियत का एहसास हुआ कि हमें नहीं रोकना चाहिए था इसलिए मतलब बुरा मान बग़ैर अगर कोई बच्चा खुद तबाही तौर पर इस्लाम की तरफ माइल हो रहा है अमल की तरफ मायल हो रहा है तो ये नुकसान नहीं है बल्कि उसकी भी ज़ात का फ़ायदा है और आपका भी फायदा है दुनिया तो एक दिन ख़त्म हो जाएगी असल में तो आखरत है हम अल्लाह ताला की बारगाह में जब मैदान माशर में आएंगे तो यही बच्चा पूरे आपके ख़ानदान वाले भी होंगे आलाके वाले आपके महल्ले वाले आपके जान पहचान वाले उन सब के दरमियान ये बच्चा जब अल्लाह की बारगाह में मकबूलीत का परवाना लेकर आपके पास आएगा और इसकी शफात पर आपके लिए भी नजात के असबाब पैदा होंगे उस वक्त तो फिर आपको एहसास होगा कि वाकई हमने इसको इस बात की इजाज़त देकर कितना बड़ा अपनी ज़ात पर एहसान किया था और इसके बरक्स अगर मामला हुआ तो फिर पछतावा और हसरत का अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं कि किस कदर होगा इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर खुद अमल ना कर सकें तो किसी को रोके भी नहीं ख़ुद दिन पर नहीं चल सकते तो किसी को उस पर चलने से क्यों रोका जाए उसका दिल मुतनफ़र क्यों किया जाए ये तवज्जो रखने की ज़रूरत है आगे शायद फरमाया कि वमा और सलना रसूलिनबिलसानी कौम ही और हमने हर रसूल को उसकी कौम की ज़बान के साथ ही भेजा यानी जिनके अंदर अवला मबूस फरमाया गया उनकी ज़बान के अंदर भेजा क्योंकि अव्वलन वही तबली उसी के अंदर तब्लीग होती है उन्हीं अतराफ़ में रहने वालों में तब्लीग होती है तो अगर अजनबी ज़बान के साथ कोई रसूल आए तो यकी सी बातें वो लोग बात नहीं समझेंगे तो किस तरीके से तबलीग दिन का काम आगे चलेगा इसीलिए आगे बयान फरमाया लियो बई न लहुम ताकि वह वाज तौर पर बयान करें अल्लाह ताली के पैगाम अल्लाह तै की तलीमत को आम करे फिर ये अलग बात है कि जैसे जैसे सिलसिला आगे चलता है तो यही अतराफ़ के लोग उन बातों को मज़द जबानों में कन्वर्ट करके तब्दील करके उसके ट्रांसलेशन करके दूसरों तक पहुँचा देते हैं जैसे हमारे नबी करीम वसल्लम अरबी लिसान थे आप अरबी लोगों में ही मबोस फरमाए गए और इसके बाद वो जब दूसरे मकामात पे गए तो उनको अरबी सिखाई उन्होंने फिर अरबी सीखने के बाद उस अरबी से जो हासिल शुदा तालीमत थी उन्हें अपनी ज़बान में ढाला और फिर कसिर लोगों को तालीम देने लगे तो ये अल्लाह ताला का करम होता है कि अल्लाह ताला जिस भी कौम में किसी रसूल को मबोज़ फरमाता है तो उनकी ज़बान में ही मबोस फरमाता है वरना ये भी हो सकता था कि अजनबी ज़बान में भेजता लोगों को उस जबान के सीखने का मकल्फ़ बनाता और फिर वो तबलीग दीन से कुछ फ़ैज़ हासिल करते लेकिन ऐसा नहीं हुआ फ़यो दिल्लु मैशा उहदी मैशा फिर अल्लाह तबारक व तारा जिससे चाहता है गुमराह करता है और जिससे चाहता है हिदायत अता फ़रमाता है बारह हमने अर्ज़ किया कि गुमराह करने की नस्बत अपनी तरफ करना यह अल्लाह के ही कोई ही जेबा है हम नहीं कर सकते हैं और इसका सही मतलब यही है कि अल्लाह तबारक व ताली गुमराही के इसबाब पैदा कर देता है हिदायत के इसबाब पैदा कर देता है और हमें इख्तियार देता है कि चाहे ये इख्तियार करो चाहे वो अब अगर कोई शामत आमाल का मारा वो गुमराही को इख्तियार कर लेता है तो गोया कि वो इन इसबाब की वजह से गुमराह हुआ और ये इसबाब चूँकि अल्लाह तला ने पैदा फ़रमाए इसलिए बात फिर अल्लाह ताली गुमराही की नस्बत अपनी जानब फरमा लेता है अल्लाह ताला हम सबको समझने के तौफीक अता फरमाए व आखरु ना अनिल रब्बिल आलमीन